हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं उज्ज्वल चित्रांश और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं जिसका नाम है चित्रांश कॉमर्स क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, और जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का टॉपिक होता है इसमें क्या होता है कि दो कंडीशन हमारी बनती हैं, फर्स्ट इज टू द फर्म और सेकंड इज फ्रॉम द फर्म। हमेशा बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं और क्वेश्चन गलती भी कर देते हैं। हम आपको यहां पर एक ऐसा छोटा सा पॉइंट बताएंगे जिससे कि आपका ये पूरा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन लोन में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप स्टेप बाय स्टेप बस समझते चलिएगा। हमने जो लिखा हुआ टू द फर्म, ये क्वेश्चन में भी लिख कर आएगा आपके कि टू द फर्म है या फिर फ्रॉम द फर्म है। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है क्या कि जब भी टू द फर्म कहता है, ठीक है ना, तो अगर हम एक एग्जांपल मानेंगे तो ये मान लीजिए एक पार्टनर है, ठीक है ना, और ये है एक फर्म। कंडीशन क्या है कहने की कि जब भी पार्टनर जो है ये फर्म को लोन देगा तो फर्म के लिए क्या होती है, लायबिलिटी, ठीक है ना, फर्म के लिए लायबिलिटी हो जाएगी, पार्टनर को अब फर्म पे करेगी। तो इसको हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट ऐसे कह सकते हैं कि जब भी पार्टनर जो है पार्टनर फर्म को लोन दिया, ठीक है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, तो जब भी फर्म को पार्टनर जो होता है लोन देता है तो क्या होता है, फर्म के लिए लायबिलिटी बन जाती है कि अब उसको पेमेंट करना है। सो जस्ट ऑपोजिट अगर फ्रॉम द फर्म कहा तो यहां पर कंडीशन बन जाएगी क्या कि फर्म ने, अब यहां पर देखिए हमने जस्ट ऑपोजिट कर दिया कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, ठीक है, लेकिन दोनों जगह कंडीशन चेंज हो रही है। यहां पर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और यहां पर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, ठीक है, दोनों ही कॉन्सेप्ट चेंज हो जा रहे हैं। एक जगह पे पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है और दूसरी जगह पे पार्टनर फर्म को से लोन ले रहा है। आप इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से भी कह सकते हैं कि फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा और यहां पर क्या होगा, फर्म इंटरेस्ट पे करती है। ये कॉन्सेप्ट हमारा पूरा पीएल अकाउंट से निकल कर आया है जो आपने ऑलरेडी क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। हम स्टेप बाय स्टेप दोनों को क्लियर करते चलते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो यहां पर अब कंडीशन क्या बनती है कि फर्म की अब लाइबिलिटी क्या बनेगी। तो फॉर एग्जाम्पल फर्म ने पार्टनर से 100 रुपीज लिया है, ठीक है, तो अब फर्म जो है पार्टनर को कितने पैसे वापस करेगी, 100 रुपीज तो देना ही देना है लेकिन विथ क्या होगा, इंटरेस्ट पे करेगी। तो मान लीजिए 110 रुपीज फर्म ने पार्टनर को पे किया बाद में, तो 100 रुपीज लिया और 100 रुपीज दे दिया वो तो क्लियर हो गया, लेकिन फर्म ने एक्स्ट्रा जो 10 रुपीज पे किया वही क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन है पार्टनर्स के ऊपर। सो अब इसके लिए जो दो एंट्रियां बनी हुई है, तो फर्स्ट कंडीशन देखिए क्या कह रहा है, फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो मींस क्या हुआ कि अब पार्टनर के जो लोन है उसके ऊपर इंटरेस्ट हमें प्रोवाइड करना है। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब कंडीशन है कि हम जर्नल एंट्री भूल जाएंगे, ठीक है, जर्नल एंट्री याद तो रहता नहीं है एग्जाम टाइम तक, अभी आपको पूरा मार्च तक जाना है तो याद कैसे रहे, तो इसकी मैं आपको टेक्निक सिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, क्लास फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा, तो आप कहेंगे सर डेबिट बैलेंस होता है। लायबिलिटी और कैपिटल का बैलेंस पूछूं तो आप कहेंगे सर क्रेडिट बैलेंस होता है। तो वही ये टॉपिक है, फर्म ने अगर पार्टनर से लोन लिया तो मींस पार्टनर्स लोन फर्म के लिए क्या हुआ, लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बैलेंस क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, ठीक है। दूसरी चीज कंडीशन पे आते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये डेबिट हो रहा है, क्यों, क्योंकि जब फर्म जो है पार्टनर के लोन के ऊपर इंटरेस्ट दे रही है तो फर्म के लिए क्या हुआ, लॉस या फिर एक्सपेंसेस, जो भी हम कह सकते हैं, जो कि नॉमिनल अकाउंट के रूल से आया है। अगर आपका रूल का टॉपिक नहीं क्लियर है स्टूडेंट्स, तो मैं पहले बोल दे रहा हूं कि आप पहले रूल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है क्लास 11th का रूल्स एंड थ्योरी बेसिस नाम से, जिसमें आपको गोल्डन रूल्स के नाम से मिल जाएगा, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप देख लीजिएगा पूरा कॉन्सेप्ट, एक बार रूल आप रिवाइज कर लीजिएगा। सो पार्टनर्स लोन लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट हो गया और इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर्स लोन दिया जा रहा है वो फर्म के लिए क्या हुआ है, लॉस है, तो लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, क्लियर।
दूसरी चीज हमारी आएगी सेकंड कंडीशन फॉर क्लोजिंग द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अगर खोला गया तो उस अकाउंट को क्लोज भी तो करना है। जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आप पढ़े थे क्लास फर्स्ट ईयर में, तो बताया गया था अगर कोई अकाउंट गलती से डेबिट होता था तो उसे क्रेडिट करके क्लोज किया जाता। तो उसी तरह से अगर किसी अकाउंट को हमें क्लोज करना रहता है तो अगर वो डेबिट है तो नेक्स्ट एंट्री में क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और अगर क्रेडिट है तो नेक्स्ट एंट्री में डेबिट हो जाएगा, तो वो अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो देखिए यहां पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है डेबिट, तो नेक्स्ट एंट्री में देखिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्रेडिट हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, पीएल अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्यों? तो क्लास फर्स्ट ईयर में आपने जब पीएल अकाउंट बनाया था तो वहां पे फॉर्मेट में आपने देखा होगा कि डेबिट साइड में आपने सारे एक्सपेंसेस को दिखाते थे और क्रेडिट साइड में सारे इनकम्स को दिखाते थे। सो पार्टनर्स लोन अकाउंट जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो फर्म के लिए क्या है, लॉस ही तो है, एक्सपेंस, तो डेबिट साइड में ही तो जाएंगे। तो जब पीएल अकाउंट डेबिट हुआ तो यानी कि पीएल अकाउंट डेबिट हो रहा है मतलब फर्म के लिए लॉस हो गया, तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाकर हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट को दिखा देते थे, तो ये हमारा पूरा सेटलमेंट हो जाता था, पूरा क्लोजिंग। ठीक है, तो ये हमारे दोनों एंट्री हो जाते हैं कब, जब पार्टनर जो है वो फर्म को लोन देता है। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं फर्म जो है वो पार्टनर से लोन लेती है। सेकंड कंडीशन आते हैं हम फ्रॉम द फर्म पे। फ्रॉम द फर्म का जो टॉपिक कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन में, यहां पर ये भी यही कहना चाह रहा है कि यहां पर तो पार्टनर ने दिया और यहां पर पार्टनर जो है वो लोन ले रहा है, तो कंडीशन क्या बनेगी, अब ध्यान से समझिए। फ्रॉम द फर्म, ठीक है, ये दोनों आपको पेज नंबर टू द फर्म वाला टॉपिक डीके गोयल की बुक में पेज नंबर 2.29 जो लेटेस्ट बुक है उसकी मैं बता रहा हूं, और फ्रॉम द फर्म वाला 2.34 पर मिल जाएगा। अब फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर, टू अ पार्टनर कह रहा है, इट मींस दैट कि फर्म अब चार्ज कर रही है लोन। ठीक है ना, अभी तक तो फर्म लोन ने इंटरेस्ट दिया था, अब यहां पर आई फर्म की बारी, अब फर्म जो है इंटरेस्ट लेगी। ठीक है, तो अब यहां पर जब फर्म पे करती थी तो फर्म के लिए लॉस था, अब जब यहां पर फर्म रिसीव करेगी तो फर्म के लिए प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखिए यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट था क्योंकि लॉस, यहां पर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्रेडिट है, क्यों? क्योंकि फर्म के लिए प्रॉफिट है, पार्टनर से पैसा मिलेगा, तो 100 रुपए पार्टनर तो देगा ही देगा, विथ इंटरेस्ट देगा 10 रुपए, तो वो फर्म के लिए क्या होगा, प्रॉफिट हो गया। और देने वाला है पार्टनर्स से ही दे रहे हैं, तो पार्टनर्स के अकाउंट से ही तो जा रहा है पैसा, तो डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब कैपिटल और करंट का कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्वेश्चन अगर हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का है तो कैपिटल वर्ड यूज होगा, अगर हमारा क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल का है तो करंट वर्ड यूज होगा, इसीलिए मैंने यहां पर ऑब्लिक कर दिया है। अब इस अकाउंट को भी क्लोज करना पड़ेगा, जैसे इसे क्लोज किया वैसे इसे भी क्लोज करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को ही तो क्लोज करना है, तो यहां पर जस्ट एंट्री ऑपोजिट हो जाएगी, क्योंकि ये फर्म के लिए था लॉस, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, क्योंकि ये डेबिट था तो ये क्रेडिट, यहां पर देखिए ये क्रेडिट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो पार्टनर्स इंटरेस्ट जो है लोन क्या हो जाएगा, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे और नाम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्योंकि फर्म के लिए क्या है, इंटरेस्ट मिल रहा है तो प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब एक और मैं आपको पॉइंट बता देता हूं कि जब भी, क्योंकि मैं आपको बताया था सीरीज एक, कि यहां पर मैं आपको बता देता हूं, मैंने एक सीरीज बताया था आपको कि हम लोग जब भी जो एंट्री बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग पीएल अकाउंट बनाते थे, इसके बाद से हमने बताया था पीएल का एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, लेकिन पीएल अकाउंट हम कब बनाते हैं ये भी कंडीशन है। ठीक है, जैसे पीएल अकाउंट हम बनाते हैं कब, जब मैनेजर्स कमीशन हमारे पास क्वेश्चन में दिया हो, दूसरी चीज जब हमारे पास इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन निकालने के लिए आया हो, इन्हीं दोनों कंडीशन में अपने पीएल अकाउंट को बना देते हैं। ठीक है, फिर आ जाएंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, और अब यहां पर हमारा जो बैलेंस है पीएल अकाउंट का वो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो ये हमारा पूरा टॉपिक था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट का, कि पार्टनर जो है वो फर्म को लोन दे रहा है और पार्टनर जो है फर्म से लोन ले रहा है। ठीक है ना, ये पूरा हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, जैसा कि मैं हमेशा बता रहा हूं कि मैं लास्ट में बताऊंगा, इससे रिलेटेड हमारा अब आएगा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन। आज मैंने आपको पूरा फॉर्मेट क्लियर कर दिया, आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, कॉन्सेप्ट जो भी हो, डाउट्स अगर होते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, या फिर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक, अब आप अपना आराम से बैठ के पढ़ाई करिए, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप फिर कॉन्टेक्ट करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।